हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप 50 रुपीज़ की फेस वॉश को 500 का कैसे बना सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 500 वाला जो फेस वॉश प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होते हैं उसका जो बेनिफिट होता है वो हम नॉर्मल 50 रुपीज़ वाले जो फेस वॉश मार्केट से लेकर के आते हैं उससे हम वही वाला बेनिफिट कैसे पा सकते हैं जो कि हम 500 रुपीज़ वाले फेस वॉश से पाते हैं। सो डोंट वरी, मैं सारी डिटेल आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। बेसिकली आज की वीडियो जो है वो ऑल स्किन टाइप सुटेबल है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, सेंसिटिव स्किन है तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नेजेंटिक है, आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह वाले इश्यूज होते हैं तो आपके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो हेल्पफुल है सभी स्किन टाइप वालों के लिए। सो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन पे एक हेल्दी शाइनी ग्लो रहे जो कि आप महंगा ब्रांड वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, उससे मिलता है, वो आपको 50 रुपीज वाले फेस वॉश से कैसे मिल सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। बट टाइटल ये नहीं था, टाइटल था कि आप अपने फेस वॉश को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो आज की वीडियो उसी से कुछ रिलेटेड है, लेकिन मैंने एक्चुअली रिसर्च किया बहुत सारी जो बहुत सारी महंगे फेस वॉशेस के इंग्रेडिएंट लिस्ट को मैंने चेक किया तो सब में एक चीज बहुत ही कॉमन है, विच इज एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन। सो अगर आप अपने नॉर्मल फेस वॉश में जिसमें कि ये प्रोडक्ट अगर मेंशन नहीं है तो आप अलग से इसको अप्लाई करके देख लीजिए। मैं आपको डेमो करके एंड में जरूर दिखाऊंगी कि आप एक पार्ट पे अपने पहले एलोवेरा जेल लगा लीजिए और उसके बाद आप फेस वॉश अप्लाई करिए तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई शाइनी दिखती है। आप डेमो में क्लियर विजिबल रिजल्ट देख पाएंगे जो कि मैंने डेफिनेटली खुद ट्राई किया और मैं हैरान रह गई रिजल्ट देख करके। फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब अगर आप महंगे ब्रांड वाले प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें कि ये इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं विच इज़ गुड फॉर अवर स्किन, तो एक हेल्दी ग्लोई शाइनी इफेक्ट देते हैं जो कि हमारे नॉर्मल 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ वाले जो हम फेस वॉशेस यूज़ करते हैं उसमें ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहता, बहुत मिनिमम अमाउंट में रहता है, जिस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और खिंची खिंची से फील होने लगती है आफ्टर यूजिंग अ फेस वॉश। सो अगर हम इस तरीके से फेस वॉश यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्लोई और शाइनी इफेक्ट देती है। तो चलिए मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ, आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं अगर नेचुरल हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप सबसे पहले अपने फेस पे इस तरीके से मसाज कर लीजिए, तो मैं एक साइड पे लगा करके आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आप अपना फेस वॉश जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उसको लगाइए और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी। इसलिए मैंने अपने एक साइड पर ग्लिसरीन के साथ फेस वॉश लगाया है और एक साइड पर विदाउट ग्लिसरीन लगाया है और अच्छी तरीके से अब प्रॉपर फेस वॉश करूँगी दोनों हाथों से, नोज़ अराउंड, चिक्स अराउंड एंड चिन के अराउंड। तो प्रॉपरली आपको अच्छी तरीके से फेस वॉश को टाइम दे करके 5 मिनट अपने फेस को क्लीन करना चाहिए। सो इस तरीके से मैं अपने फेस को पहले क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। सो फाइनली मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है तो अब मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। सो गाइज, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी द विजिबल रिजल्ट ऑफ दिस साइड। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, मतलब वो फील तो सिर्फ मैं एक्सप्रेस ही कर सकती हूँ, बट आपको एक ग्लो शाइनी इफेक्ट दिख रहा होगा जबकि दूसरे साइड उतना इफेक्ट नहीं आया है। सो आई एम जस्ट सो गाइज, देखा आपने ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल किस तरीके से हमारी स्किन को ग्लोई और शाइनी इफेक्ट दे देते हैं। सो आप सब भी डेफिनेटली जरूर ट्राई करिएगा इस रेमेडी को और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो मी देयर क्योंकि वहां मैं बहुत सारे स्नीक पीक बिहाइंड द शूट अपलोड करती रहती हूँ। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।